आत्मनिर्भर बनना है, इसकी हमने पूरी सहायता भी करी है। जय श्री राम, जो हमारे जय श्री राम, तो हमने जितनी हम पे सहायता हुई है हमने राम मंदिर की सहायता भी करी है। और आगे कहाँ से साथ दे रहे, पहले ये कहते थे कि तुम्हारा मंदिर कब बनेगा, तारीख ही बता दोगे मंदिर भी बनाओगे, आज मंदिर भी बन रहा है तारीख भी बता दी। मैं बता दूं आपको, ये 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना। 4 साल की लड़कियों के रेप होने बंद नहीं हुए, ठीक है, सरकार कोई भी हो। हाँ इतना है कि योगी सरकार में लड़कियां सुरक्षित घूमती। बंद होगी जब सब मोदी और योगी की प्रशासन तब आता है जब औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। हर एक जगह उसकी नजर तो नहीं रहेगी, लेकिन बहुत कुछ रुका है। विपक्ष ये कहता है कि इस बार मौका नहीं देंगे, देखिएगा बदलाव आएगा। विपक्ष के कहने से मौका नहीं मिलने वाला, वो जो 42 घमंडिया गठबंधन बने हैं ना, उन्होंने हर एक राज्य में अपनी वंशवादी उसकी नीति की वजह से अपनी सरकार बनाई है और वहाँ की जनता का लूट खाया है। अब देखिए हमास को समर्थन कह रहे हैं कि वहाँ गाजा में मामला ठीक नहीं हो रहा है, मोदी साथ है। हमें तो मोदी के साथ है, जैसे भी मामला बन जाएगा हमें मोदी के साथ है। हमें राम मंदिर बना, हमें इसकी भी बड़ी खुशी हो रही है। दादरी गौतम बुद्ध नगर जिला मंत्री हूँ मैं, इस चीज को इसकी हम जो राम मंदिर बनना है इसकी हमने पूरी सहायता भी करी है। जय श्री राम, जो हमारे जय श्री राम, तो हमने जितनी हम पे सहायता हुई है हमने राम मंदिर की सहायता भी करी है और आगे तक सहायता भी करेंगे। हमें जो भी है योगी के साथ हैं और अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, बाकी हम किसी ओबीसी या अखिलेश या राहुल गांधी हम कोई किसी का सम्मान करेंगे, हम इसका सम्मान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मुसलमान भाई 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 हम लोग, कोई जात फात कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान सब भाई हम लोग, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कहते हैं योगी अत्याचार कर रहे हैं। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, कोई सब झूठ बोल रहे, कोई नहीं कर रहे। बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया गुंडागर्दी खत्म हुई है, सगले काम खत्म हो रहे हैं। जो हमारी माए और बहनें टिर्री चला रही हैं, वो आज नुकह रही हैं, नुकह जी टिर्री में हमें कोई दिक्कत नहीं है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी, सारा मामला खत्म हो चुका है, आज सारा मामला खत्म हो चुका। बताओ, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन तब ओएसी के स्टैंड पे आप खड़े नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल खड़े नहीं होंगे, हम अपने योगी जी के साथ प्रधानमंत्री के साथ खड़े मिलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हम खड़े नहीं होंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दबाव में तो नहीं? नहीं नहीं, दबाव में कोई नहीं, हम पार्टी में काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं और पार्टी के अंदर रहते चले आएंगे जब तक प्रधानमंत्री योगी जी हमारे यहाँ दोनों मंत्री, जब तक हम इस पार्टी के साथ देंगे पूरा। फतवा जारी हो जाएगा? नहीं, कोई फतवा जारी नहीं होगा, फतवा जारी होगा तो हम पे होगा, हम अपना मानेंगे, जब तक हम जय श्री राम के नारे लगाते रहेंगे जब तक हम जिएंगे। अच्छा ये बताइए, ओ वैसे कह रहे हैं कि हम तो उनके फिलिस्तीन के साथ हैं। वही बोलेंगे, वही बोलेंगे। नहीं, हम इसकी बात अखिलेश की बात नहीं मानेंगे, ना अखिलेश की बात भी नहीं मानेंगे। लेकिन अब चोरी होनी बंद होगी जब सब मोदी और योगी की प्रशासन तब आता है जब औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। हर एक जगह उसकी नजर तो नहीं रहेगी, लेकिन बहुत कुछ रुका है जब से। अच्छा, बहुत सुधार आया है देश के लिए। हाँ जी, हाँ जी, जो कुछ कहते हैं मोदी योगी की, जो कुछ उनके बारे में बुरा बोलते हैं तो गलत बात है। ये सरकार ने बहुत बदलाव किया है, गरीबों का भी साथ दिया है। अरे विपक्ष ये कहता है कि इस बार मौका नहीं देंगे, देखिएगा बदलाव। विपक्ष के कहने से मौका नहीं मिलने वाला, वो जो 42 घमंडिया गठबंधन बने हैं ना, उन्होंने हर एक राज्य में अपनी वंशवादी उसकी नीति की वजह से अपनी सरकार बनाई है और वहाँ की जनता का लूट खाया है। अब देखिए हमास को समर्थन कर रहे हैं, मतलब क्या बनता है, क्या कैसी राजनीति है ये? आप देशभक्ति की तरफ जाएंगे? यहाँ के नेता कहते हैं कि हम इसराइल को देखना चाहते हैं जहाँ देश का बच्चा बच्चा राष्ट्रभक्त है, और यहाँ के कुछ लोग हैं ना हमास को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा वो क्यों कर रहे हैं पता है आपको? वो कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वो जगह मिलनी चाहिए। वो टाइम 2001 का था, जब फिलिस्तीन के मतलब आपके ही नेता थे ना जब अटल। फिलीपींस और हमास में फर्क है भैया, हमास जो है उग्रवादी संगठन है, आप उग्रवादियों को सपोर्ट कर रहे हो, आप फिलीपींस को नहीं कर रहे हो सपोर्ट, ठीक है ना। वहाँ क्या नाम कहते हैं, इसराइल के बच्चे मरे वो इंसान नहीं है, और हमास में जो अब मर रहे हैं उनको पहले इतला भी किया भी आप यहाँ से जाओ, यहाँ हमने उग्रवादी को पकड़ना है, वो जबरदस्ती अपना उनको ढाल बना के खड़े हो रहे हैं तो उनको तो सफाया होना ही होना है, जो जानबूझ के मरना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे। चने के साथ गुना भी पिसता है ना जो आदमी जबरदस्ती। अच्छा, मतलब इसीलिए वो फिलिस्तीन में भी समस्या आ रही है। हमारे मोदी जी ने जो वर्ल्ड में आज हमारा झंडा फहराया हुआ है वो मोदी जी की देन है, हमारे मोदी जी की प्रधानमंत्री जी की देन है, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी की देन है, और हमारे
हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो आज हमारे पूरे वर्ल्ड में झंडा फहराया जा रहा है, उनकी कार्यकारिणी और उनके सदस्यता जो लोग काम कर रहे हैं, ये तो ठीक है। हाँ। लेकिन यही देश में अब लोग दो आवाज आने लगी, कह रहे हैं फिलिस्तीन के साथ मोदी क्यों नहीं खड़े हैं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खड़े थे। देखो मैं एक चीज बता दूं, हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी, हाँ। सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। अच्छा। चलते हैं या नहीं लेकर चलते, तो वो हमारे पूरे वर्ल्ड में है ना साथ में, सबके साथ है वो। मैं आपसे बता दूं फिलिस्तीन के साथ क्यों नहीं, क्यों नहीं है ये, किसने कहा फिलिस्तीन के साथ नहीं है? ओबेसी, ये तो देश को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। ये दिनों ने देश को बर्बाद करना है। ये कह रहे हैं सफाया होगा, तो विपक्ष का पूरा सफाया होना है इस बार। मोदी के कम से कम 500 सीटें आनी है इस बार। तो कह रहे हैं उनका दर्द नहीं समझ में आ रहा है। लोग जब लोग दर्द समझे तभी तो 500 सीटें आ रही है। और हर पांच जगह जो है बीजेपी की सरकार आ रही है। पांच जगह मतलब क्या, बाहर भी बना रहेगा? पांच स्टेटों में जो है बीजेपी की सरकार आ रही है। अच्छा, जहाँ चुनाव है। अच्छा, लेकिन ये मामला जो ओवैसी भी उठा रहे हैं, बाकी और लोग कह रहे हैं कि मोदी आखिर में इसराइल का साथ क्यों दे रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं, विपक्ष के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। हा? कुछ नहीं है विपक्ष के साथ, कुछ नहीं है बोलने के लिए। और जो हम खेत में पूड़ी काटते हैं ना, खेत काटते हैं, वो ये है सारे विपक्ष के लोग, और यही बोल रहे हैं सारी चीजें, और कोई नहीं बोल रहा। हाँ, ये हिंदुत्व के साथ नहीं है, ये हिंदुत्व के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ नहीं है, ये हिंदुत्व के साथ नहीं है। जितने भी है और हैं ये गठबंधन, ये सारे हिंदुत्व के साथ नहीं है। ये अपनी राजनीति, अपनी रोटी सेकना चाहते हैं कि इन्हें कोई रास्ता मिले। इन्हें इसराइल में हिंदू हैं और फिलिस्तीन में हिंदू नहीं है क्या? हैं, वो है क्यों नहीं, क्यों उनके साथ कौन नहीं चल रहा, ये बताओ। ये कहां से साथ दे रहे? पहले ये कहते थे कि तुम्हारा मंदिर कब बनेगा, तारीख ही बता दो, मंदिर भी बनाओगे। आज मंदिर भी बन रहा, तारीख भी बता दी। मैं बता दूं आपको, ये 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना, इसे कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री की जय हो, जय हो। 56 इंच का सीना मानते हैं आप? क्यों नहीं मानते? हम नहीं बोलते हैं, आप बोलिए। इसराइल का ओवैसी ने ओवैसी बोले कि फिलिस्तीन का समर्थन क्यों किया, क्यों नहीं कर रहा है हिंदुस्तान? तो एक बात बताइए, जब 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था, तो किस देश ने साथ दिया था भारत का? 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसराइल ने साथ दिया था भारत का, है ना? उस समय में इसराइल ने इतनी मदद की थी, उस समय कोई देश नहीं आया था आगे। लेकिन इसराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी से जितना साथ भारत का दिया, उस समय किसी और देश ने नहीं दिया था। और रही बात मोदी योगी की, ये बंदा चापलूसों से हटके अलग चलता है ना, इसका कोई परिवार नहीं है। ये अपने माता जी के देहांत में 2 घंटे रह के आया, पूरी दुनिया आने को तैयार थी भारत में। इस बंदे ने इतना कर्तव्य निष्ठा के साथ में भारत का, भारत के लिए काम किया है, उतना कोई नहीं कर पाएगा, है ना? और ये बंदा चापलूस से बिल्कुल अलग होके चलता है। और पार्टी में क्या है कि लोग, है ना, अपनी सिफारिश करते हैं। हाँ, क्या कहेंगे